हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो वर्नेरेबिलिटी है, इसका इंपैक्ट हाई, लो या फिर मीडियम तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टाइप की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेरेबिलिटी फाइंड की है। और अगर इसका मैं इंपैक्ट बताऊं तो एक हैकर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से आपकी कुकीज को स्टील कर सकता है, सेशन को हाईजैक कर सकता है, एडवांस फिशिंग अटैक कर सकता है, या फिर पूरे के पूरे वेबसाइट को डिलीट तक कर सकता है, या फिर कुछ नुकसान या फिर मॉडिफिकेशन कर सकता है उस पर्टिकुलर पेज पे जहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। और आपको शायद से पता ना हो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेरेबिलिटी एक ऐसी वर्नेरेबिलिटी है कि जो कि सबसे ज्यादा निकलती है वेबसाइट में। अगर आप इस चार्ट को देखें अच्छे से तो जिन भी वेबसाइट में वर्नेरेबिलिटी निकली है उनमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वर्नेरेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो देखो, जितने भी हमने वेबसाइट बग बाउंटी की वीडियो की है उसमें एक चीज कॉमन होती है, अगर एक वेबसाइट यूजर का इनपुट सैनिटाइज नहीं कर रही और उसे वैसे ही सर्वर पे एक्सक्यूट कर दे रही है या फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, तब प्रॉब्लम होती है वेबसाइट में और वो होती है वर्नेरेबिलिटी। उसका फायदा उठा के हमने बहुत सारे अलग अलग अटैक देख रखे हैं, पीएचपी कोड इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसा ही है जब एक यूजर मान लो कमेंट करे या फिर कोई सर्च करे, वहां पे टेक्स्ट की जगह पे अगर वो HTML या फिर एक जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करे और वो इंजेक्ट हो जाए वेब एप्लीकेशन में, तो होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वर्नेरेबिलिटी। अब देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो तीन टाइप की होती है। पहली होगी रिफ्लेक्टेड, दूसरी होगी स्टोर्ड और तीसरी है डोम। रिफ्लेक्टेड को हम नॉन परसिस्टेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं और स्टोर्ड को हम परसिस्टेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। सिंपल सा रीजन है, अगर हम कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड वेबसाइट में इंजेक्ट करते हैं और वेबसाइट में सेव हो जाता है, जैसे कि आपने कमेंट की जगह पे अगर आपने एक जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट किया और वो सर्वर साइड पे स्टोर हो गया, उसके बाद जब भी कोई बंदा उस वेबसाइट पे विजिट करेगा तो जैसे कि दूसरे का हम कमेंट देख सकते हैं, क्योंकि उस बंदे ने, एक अटैकर ने कमेंट की जगह पे HTML या फिर जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट किया है, अब वो मलिशियस कोड आपके ब्राउजर में इंजेक्ट हो जाएगा और वो एक्सक्यूट हो जाएगा। वो कोड कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपकी कुकीज़ को स्टील कर ले। अभी कुकीज़ क्या होता है, सिंपल भाषा में बताऊं, आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, अब हर बार जब भी आप कोई पेज ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड ना देने पड़े और वेबसाइट को भी पता लगता रहे कि आप एक ऑथेंटिक यूजर हैं, तो क्या होता है, एक वेबसाइट आपके ब्राउजर के अंदर कुछ पीस ऑफ कोड राइट करती है। अब जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक टैब में लॉगिन कर लिया उस वेबसाइट में, ठीक है, अब मैं दूसरा टैब ओपन करूंगा ना, तो ब्राउजर हमारा खुद ही वो जो पीस ऑफ कोड जो वेबसाइट ने राइट किए हैं उस वेबसाइट को भेज देगा, जैसे कि वेबसाइट को पता लगेगा कि ये जो बंदा है ऑथेंटिक है इस अकाउंट के लिए, तो हमें बार बार पासवर्ड नहीं डालने पड़ते। अगर एक अटैकर इस पीस ऑफ कोड, इस कुकीज को जो कि हमारे ब्राउजर में सेव होता है, वो ब्राउजर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे सेव कर रहा है, यूजली एक DB या फिर डेटाबेस फाइल होती है जिसके अंदर ये पीस ऑफ कोड राइट होते हैं, अगर एक अटैकर इन्हें स्टील कर लेता है किसी भी तरीके से, तो वो आपका सेशन हाईजैक हो सकता है, जिसे सेशन हाईजैकिंग बोलते हैं या फिर कुकी स्टीलिंग बोलते हैं। इससे अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा रखा है वो भी बाईपास हो जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे एक वेब एप्लीकेशन को कि क्या वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से वर्नेबल है या नहीं। हम एक सिंपल सा हार्मलेस जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम कोई भी मलिशियस कोड एक्सक्यूट कर सकते हैं। तो एक्सपर्टेशन पे अलग एक वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग एडवांस स्टेप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मोटिव रहेगा अलग अलग मैनुअल पेलोड बनाना, वेबसाइट को टेस्ट करना कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वर्नेरेबिलिटी है या नहीं, और मैंने इसका इंपैक्ट पहले ही बता दिया। अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के कितने मिलते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके आपको $200, $500, $1000 या फिर उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, और मिनिमम आपको $100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेरेबिलिटी के। और जैसे कि हमने बात की कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अलग अलग टाइप की होती है, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप कौन सा है, तो सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप है स्टोर्ड वाला, इसे परसिस्टेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। उसका रीजन सिंपल है, जो भी हम जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कमेंट सेक्शन जो है एक वेबसाइट का वो सैनिटाइज नहीं कर रहा हमारे यूजर के इनपुट को और हमने वहां पे जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट की, वो वेबसाइट में स्टोर हो गई, तो अगर कोई दूसरा लेजिटिमेट यूजर उस वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसके ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट कोड वो इंजेक्ट हो जाएगा। और मेन प्रॉब्लम यही आती है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसका फुल कंट्रोल होता है एक वेब एप्लीकेशन पे। जावास्क्रिप्ट से हम कुकीज़ को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरी वेबसाइट है उसमें मैंने लिखा है साइबर एकेडमी, तो एक हैकर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेरेबिलिटी से साइबर एकेडमी का नाम चेंज करके कुछ और रख सकता है
इमेजेस को चेंज कर सकता है, कलर को चेंज कर सकता है, स्टाइल चेंज कर सकता है, या फिर पूरा का पूरा पेज तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। और रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड में हम कुछ जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं, वो हमारे ब्राउजर में एक्सक्यूड हो जाता है। इसका फायदा ये है कि मान लो अगर URL में अगर हम जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करते हैं और वो लिंक बना के हम एक यूजर को देते हैं, सामने जो आगे का पार्ट देखेगा URL का वो एस्टिमेट होगा, इसलिए वो क्लिक करेगा यूजर, और जैसे ही क्लिक करेगा तो वो यूजर ट्रिक हो जाएगा और उस वर्नेबल वेबसाइट की वजह से एक मलिशियस पीस ऑफ कोड अपने ब्राउजर में एक्सक्यूट करवा लेगा। और जैसे कि मैंने बोला उसकी कुकी स्टील हो सकती है, या फिर मान लो वो वेबसाइट जो है मान लो facebook.com में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी निकली, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको मैं URL भेजूंगा जिसमें जावास्क्रिप्ट कोड भी होगा उसकी URL में इनकोडेड, ताकि आपको अच्छे से दिखे ना। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस जावास्क्रिप्ट कोड की वजह से आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक फेक फेसबुक पेज पे, क्योंकि आपने पहले जो URL पे क्लिक किया एकदम देखा अच्छे से वो फेसबुक ही था, लेकिन जैसे ही आपने उस पेज को विजिट किया जो कि फेसबुक का था, उसने एक फेक फेसबुक के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर फेसबुक एक नकली पेज जो कि फेसबुक की तरह दिखता है उस पे रीडायरेक्ट करेगी बंदे को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बंदा अपने जो क्रेडेंशियल है फेसबुक के वो एक फेक पेज पर डाल दे, जिसे हम फिशिंग पेज बोलते हैं, और अपने क्रेडेंशियल लीक करवा बैठे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो साइट यूज करने वाला हूँ वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक सर्च रिजल्ट दिख रहा है, वहाँ पे मैं कुछ इनपुट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करूँगा जो कि हार्मलेस होगा। अगर वो हार्मलेस कोड एक्सक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे फिर मैं कोई भी मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड एक्सक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो एक सिंपल सा एक अलर्ट पॉपअप करेगा, तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करके यहाँ पे गो कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को एक पॉपअप आया है जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो लिखूं और से गो करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर हेलो। तो अगर मैं इसके सोर्स कोड को देखूं, अगर आप कंट्रोल यू दबा देंगे तो आपको इसके सोर्स कोड मिल जाएंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं व्यू सोर्स कोड। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो सर्च करूं तो यहाँ पे आप हेलो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करके दिखाऊं और उसके बाद चलो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब मैं कंट्रोल यू दबाता हूँ और इसके सोर्स कोड अब देखता हूँ मैं, जहाँ पे मेरा अलर्ट मैंने टाइप किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट की थी, और यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं हेलो, तो हेलो को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमारे जावास्क्रिप्ट कोड ने। लेकिन यहाँ पे जब हमने जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट की तो वो बन गया एज अ पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये जो हमने इनपुट किया था ऐसे इसे इनपुट ट्रीट करना चाहिए, ना कि जावास्क्रिप्ट कोड। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आप इनपुट पैरामीटर दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हंट करें। तो सिंपल सा मेथड है, मैं आपको एक मेथडोलॉजी बता रहा हूँ। और मेथडोलॉजी ये है कि आप सबसे पहले इनपुट पैरामीटर ढूंढें और वहाँ पे कुछ इनपुट देने की कोशिश करें, और अगर वो रिफ्लेक्ट होता है या फिर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, जैसे कि आपने कमेंट किया वो स्टोर हो गया और आपको दिखा रहा है वो कमेंट, तो वहाँ पे एक्सेसेस होने की संभावना होती है, देयर मे बी एक्सेसेस। वहाँ पे आप अगर अपना जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे कि अलर्ट बॉक्स का, और स्टार्टिंग में आप हार्मलेस जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करें, अगर वो जावास्क्रिप्ट कोड एक्सक्यूट हो जाता है तो वहाँ पे एक्सेसेस है। इसका एक्सप्लोरेशन पार्ट हम इन डेप्थ देखेंगे। तो इस वीडियो में हम हंटिंग अप्रोच पे यहाँ ध्यान देंगे, मैं एक्सप्लोटेशन पे एक अलग वीडियो करेंगे मे बी इस वीडियो के बाद। तो अब अप्रोच क्या होनी चाहिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने की? अप्रोच बहुत सिंपल है, आपको कॉमन पेजेस फाइंड करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं कॉन्टैक्ट, सर्च बॉक्स, और उसके बाद कमेंट बॉक्स, फॉरम, साइन अप, लॉग इन एक्सेट्रा, जहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। तो जब आप एक इनपुट पैरामीटर फाइंड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इनपुट करना है, और अगर वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब स्टेप क्या होना चाहिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने का? एक वेबसाइट में हजारों लिंक हो सकती हैं, और एक पेज में एक पर्टिकुलर कोई पैरामीटर हो सकता है जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वर्नेबल हो। तो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक लिंक पे जाए, हर एक पैरामीटर को मैन्युअली टेस्ट करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पाइडरिंग करेंगे टारगेट URL को। तो इसका रिकमेंडेड जो मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है वो है बर्ट प्रॉक्सी। तो स्पाइडरिंग मतलब हम एक टारगेट की सारी URL क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद जब हमारे पास लिस्ट ऑफ URL होंगी हम उन्हें फिल्टर आउट करेंगे जिनमें पैरामीटर होगा, कोई इनपुट फील्ड होगी, या तो गेट बेस्ड या फिर पोस्ट बेस्ड। उसके बाद हम उस पैरामीटर को चेक करेंगे कि उसका जो इनपुट है वो पेज पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा
वहां पे हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है बर प्रॉक्सी को, आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रो वर्जन का यूज कर रहा हूँ, 1.7.37। तो यहाँ पे मैं प्रॉक्सी में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, एडिट करूंगा इसे। यहाँ पे 8080 पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 8081 लिखूंगा, इसे रनिंग पे टिक करूंगा और इंटरसेप्शन आपका ऑन होना चाहिए। तो अब हम ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करेंगे। आई होप आपको पहले से पता हो कि कैसे बर्क प्रॉक्सी को यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बस आपको ऑप्शंस में आना है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे फायरफॉक्स का दिखा रहा हूँ और फायरफॉक्स बेस्ट माना जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्स वाई सर्च किया। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके, तो यहाँ पे आप मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पर टिक करें और यहाँ पे लोकल होस्ट एड्रेस 127.0.01 और पोर्ट जो आपने डाला था वहां पे वो लिख दें और टिक कर दें और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। जब आपका काम हो जाए तो आप इसे नो प्रॉक्सी पे सेट करना ना भूलें, वरना आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको प्रॉक्सी रिफ्यूजिंग वाला कुछ एरर मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस टारगेट को रिफ्रेश करूंगा ताकि मैं इसका रिक्वेस्ट डेटा कैप्चर कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बर प्रॉक्सी में इसका जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो गया है। तो इसे मैं भेजूंगा स्पाइडरिंग पे। यहाँ पे लिखा है ना सेंड टू स्पाइडर, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको राइट क्लिक करके, तो ये स्पाइडरिंग करने लग जाएगा। अभी बर्फ स्वीट का वर्जन 2 भी अवेलेबल है, उसमें स्पाइडरिंग ऑप्शन नहीं होता है, उसमें क्रॉल नाम का ऑप्शन होता है और आपको मैनुअली क्रॉल करनी पड़ती है एक टारगेट को। मैं कई साल से बर्फ स्वीट का पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। अगर आप चाहें तो आप लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे जो भी आ रहे हैं जो पॉपअप उसे मैं यहाँ पे यस यस करूंगा और यहाँ पे स्पाइडरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं इंटरसेप्शन ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे अगर हम टारगेट पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो यूआरएल हमारे बर्फ सूट के द्वारा गए हैं तो वहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो आपको साइट मैप के अंदर अपने टारगेट यूआरएल सिलेक्ट करनी है और कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सारी यूआरएल लिस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सारी यूआरएल क्रॉल करके दे देगा, यहाँ पे आपको स्टेटस कोड दिखाएगा 200 ओके वाला और यहाँ पे आपको मेथड दिखाएगा गेट या पोस्ट। तो आपको वो वाली यूआरएल फिल्टर आउट करनी है जिसमें कोई पैरामीटर हो। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स वाले पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको टिक दिखा रहे हैं। तो इन्हीं यूआरएल को आपको चेक करना है वन बाय वन, क्योंकि उसमें कोई इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट का कुछ फॉर्म दिख रहा है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन हर एक पैरामीटर को टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं पहले वाले को सेंड टू रिपीटर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो वन और अगर ये रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, यहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इसके रिस्पॉन्स में। तो इसे हम यहाँ पे कट करेंगे और नेक्स्ट वाले यूआरएल को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा टारगेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप दूसरा वाला देख सकते हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसे आप स्किप करें। आर्टिस्ट वाला देख सकते हैं ना, आर्टिस्ट इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 वाले सारे सेम ही है। आपको पैरामीटर चेक करने, वैल्यू कोई और हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैं आर्टिस्ट इक्वल टू हेलो वन दोबारा लिख रहा हूँ, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा सर्च करूंगा हेलो वन को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसे भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा। ये सारे मैं यूआरएल स्किप कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे, यहाँ पे आप इन सबको टेस्ट कर सकते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग यूआरएल हैं, आर्टिस्ट इक्वल टू 1, आर्टिस्ट इक्वल टू 3, वो सारे पैरामीटर सेम ही है। तो यहाँ पे मैं इसे प्रोडक्ट वाले को सेंड टू रिपीटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा पिक इक्वल टू हेलो, उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सर्च करूंगा तो देख सकते हैं ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये यूआरएल दिखी हुई है मेरे को, तो इसे हम यहाँ पे सेंड टू रिपीटर करते हैं। आपको रिपीटर का फंक्शन पता ही चल गया होगा, आपने एक बार रिस्पॉन्स कैप्चर किया और उसे आप अलग अलग पैरामीटर पे बार बार भेज रहे हैं सर्वर को और उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा वही किया, उसके बाद यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दोबारा हेलो वन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इसे भी हमने यहाँ पे काटा। तो यहाँ पे हम इस वाले को दोबारा चेक करेंगे और उसके बाद फिर सेंड टू यहाँ पे रिपीटर और यहाँ पे देखो दो पैरामीटर है वैलिड और 12। यहाँ पे मैं दोनों को टेस्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हेलो वन और यहाँ पे लिखूंगा पीपी इज टू हेलो टू और उसके बाद यहाँ पे मैं गो कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वन और हेलो टू दोनों ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इनमें से मैं यहाँ पे कोई एक पैरामीटर में जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करने की कोशिश करूंगा और मैंने वहीं पे सिंपल से लिखा एक जावास्क्रिप्ट कोड जिससे कि मेरे को एक अलर्ट मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखने के बाद यहाँ पे गो कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने रिक्वेस्ट में डाला वो सेम टू सेम रिस्पॉन्स में भी हमें आ गया। तो यहाँ पे हम इसे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और उसी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे जिसमें हमारा बर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर है। यहाँ पे मैंने एक और टैब खोला, यहाँ पे मैं इसे इनको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा इसे
और चलो थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिस्पांस मिल गया। तो यहाँ पे ये वाला जो पैरामीटर है वो वर्नेबल है। अब चलो बढ़ते हैं सिंपल एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल देख के। तो चलो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक सिंपल सा एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन पे एक अलग वीडियो आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक्सप्लॉयटेशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करूंगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, और उसके बाद लिखूंगा मैं डॉट इनर एचटीएमएल। तो यहाँ पे सिंटेक्स बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, अपर केस लोअर केस। इसे मैं इनिशियलाइज करूंगा डबल कोट से, और इसे मैं स्क्रिप्ट टैग को एंड करूंगा। इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं इस सर्च टैब में पेस्ट कर दूंगा, और गो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पेज गायब हो गया। इसका अगर मैं सोर्स कोड आपको दिखाऊं, कंट्रोल यू से या फिर आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स कोड अभी भी है, लेकिन हमें पेज नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हम इनपुट करते थे रिफ्लेक्ट होता था, वहां पे हमारा जावास्क्रिप्ट कोड आ गया है, जिसकी वजह से ये पूरा पेज ब्लैंक हो गया है। अब देखो हो क्या रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट के अंदर ना हमारे पूरे पेज के सोर्स कोड होते हैं, उससे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट इनर एचटीएमएल, जिसका इनर जो एचटीएमएल है उससे हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं ब्लैंक से, और जिसकी वजह से ये सारे के सारे पेज सोर्स कोड पहले लोड हो रहे हैं, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट कोड लोड हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा पेज सोर्स कोड है वो ब्लैंक हो जा रहा है। तो अगेन ये सिंपल एक्सप्लॉयटेशन है। हम एक्सप्लॉयटेशन पूरा इनडेप्थ अच्छे से ट्यूटोरियल बनाएंगे, और देखेंगे एडवांस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें देता रहता हूँ, वो भी हिंदी में। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।